मॉर्निंग भाई, हाय बोल दो हाय ब्रो। और मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मायना ने बहुत बड़ा हेल्प किया है, मायना का बहुत बहुत थैंक्स। सो मैंने चाय बना लिया है और मेरे हाथ में एक बिस्किट है, तो चलिए सुबह का चाय पी लेता हूँ आज। और उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि देखिए पाही जो है वो उठ गई है और अकेली अकेली खेल रही है। पाही उठ गई, गुड मॉर्निंग पाई। देखिए अकेले अकेले खेलती रहती है ये ऐसे। तो हल्का सा जो फैन है वो चलाया है एक नंबर पर, और फिलहाल पाही को यहीं छोड़ते हैं और मैं चलता हूँ चाय पीने के लिए। सुबह का जो एक ड्यूटी है मेरा वो है टॉमी को खाना खिलाना है, तो यहाँ पे टॉमी को मैं खाना दे देता हूँ। टॉमी, ये हमारा टॉमी, और ये टॉमी के लिए खाना। तो खाना ख़त्म कर दिया टॉमी ने, अब थोड़ा सा पानी दे देता हूँ। और यहाँ थोड़ा देर के लिए थोड़ा परेशानी हो रही है हमारी पाही, तो उसके साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ। हाय बोल दो हाय हाय, आज नहाना पड़ेगा पाही। और दोस्तों यहाँ पे जो है पाही को दादाजी के साथ सुला दिया है, और अभी मैं जो है हमारा रूम का जो कमरा है वो काफ़ी वो बन अभी तक ठीक नहीं किया है, तो देखिए ये सब पड़ा हुआ है, डायपर वगैरह पाही का इधर ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों रूम जो है वो साफ हो चुका है और मैंने भी नहाया नहीं था, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ नहा के, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ और देखते हैं ये कि पूजा क्या कर रही है। थोड़ा बहुत हेल्प मैं कर देता हूँ पूजा को, क्योंकि काफ़ी कुछ संभालना होता है और बहुत कुछ करना होता है एक माँ को, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं पूजा क्या कर रही है अभी। ये पूछ क्या बना रहे हो? बन गया है खाना, ब्रेकफास्ट बन गया। एक्चुअली हम चावल खा रहे हैं आज। अच्छा आज क्या मिलेगा? चावल। और यहाँ पे ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको, अंडा और आलू का पिटिका बोलते हैं। अच्छा ओके, तो निकालो फिर मैं खाता हूँ। मैं नहा लेता हूँ पहले, उसके बाद खाता हूँ। मैंने नहा लिया और अभी यहाँ पे जो है पूजा कुछ कपड़ा धो रही है, प्याज धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं नहा लेता हूँ, कुछ कपड़ा लगा लेता हूँ। और यहाँ पे मम्मी और देखिए पाही अकेले अकेली, तो सब लोग बिजी रहते हैं हम लोग, तो क्या करें, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो हो गया मैं भी फ्रेश, और अभी एक थोड़ा सा काम है लेखा पानी पर, वहाँ जाता हूँ। लेखा पानी एक्चुअली मैं जीतू के पास जा रहा हूँ, तो जीतू को आप पहचानते हो जो एंटॉक लिया था उन्होंने, तो उसके पास ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, चप्पल लगा लेता हूँ, तो चलिए मेरा जो बसंती है वो यहाँ है, और जो बाइक है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ फटाफट, और इधर गेट खोल लेता हूँ। ये रहा टॉमी, तो चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ और मिलते हैं आपको लेखा पानी में। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा काम था जीतू के पास, और मैं अभी जीतू से यहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद धुनू के पास चलते हैं अभी। तो दोस्तों धुनू के घर आ चुके हैं और देखते हैं कि धुनू क्या कर रही है, पक्का कुछ केक बना रही होगी। तो देखिए केक ही बना रही है धुनू। क्या बनाया? ये केक बनाया नया केक। तो इनका कस्टमर है कोई उदय नाम का, तो उनके लिए ये केक बनाया है। और ये दूसरा वाला, दोनों ही केक सिंपल में बनाया है धुनू ने।
और दोस्तों देखिए ये बिस्कुट भी धुनू का ऑर्डर आया था, तो बहुत सारा ऑर्डर जो है वो धुनू को घर पर ही ऑर्डर आता है। तो फिलहाल थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ मैं भी, धुनू ने बनाया और धुनू ने बनाया हुआ बिस्कुट, तो पी लेता हूँ उसके बाद घर की ओर निकलता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता हूँ, स्टेट बोर्ड का और CBSE बोर्ड का भी, तो इसीलिए मेरे को कुछ किताब का ज़रूरत था, जो कि माइना जो है वो क्लास 10 पास इस बार मतलब एग्ज़ाम दिया है, तो उसी का किताब है। तो ये किताब मैं लेने के लिए आया था, क्लास 10 का है ये, स्टेट बोर्ड का, तो ये किताब मैं लेने के लिए आया था। तो अभी किताब मिल गया और आज मुझे जो है ये किताब मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलता है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे इजी हो जाएगा अभी, तो मैंने को बहुत बहुत थैंक्स। तो धुनू बाय बाय, मैंने बाय बाय। और देखिए दोस्तों, ये जो है मामा का घर में, धुनू लोग का घर ही है मामा का, तो नींबू का पेड़ है, तो आप लोगों ने देखा होगा नींबू का पेड़, तो मैं 2 नींबू यहाँ से तोड़ के ले जाऊँगा आज घर के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नींबू है ये, और मेरे को अभी मामी वो रही, और यहाँ पे ये बंदा को भी बोलते हैं ना, बंदा को भी दिया है, और यहाँ लगा भी है बंदा को भी, ये बहुत सारा लगा हुआ है देखिए, छोटे छोटे है अभी। उसके बाद वहाँ पे भी नींबू है, और यहाँ पे ये लाव लगा हुआ है, तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे नींबू ले लिया है, थोड़ा सा 2-4 नींबू ले लिया है, और ये फ्लावर है, ये भी अभी ले जाऊँगा घर पर। तो ये है मामा का घर, तो चलिए अभी मैं भी निकलता हूँ घर की ओर। दोस्तों ये देखिए लीची, आप जानते हो ना लीची, तो ये लीची का पेड़ है, पौधा है ये, मैं अभी ले जाऊंगा, मामी मुझे देगी एक घर के लिए, और आपको यहाँ दिखाता हूँ जो पोमीग्रेनेट होता है ना अनार, वो अनार का, अब देखिए ये है अनार का, ये जो दिख रहा है आपको ये अनार का है जी, ये जो है ये अनार का है, तो इसको भी मैं ले जाऊँगा। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, और ये यहाँ रख देता हूँ, इसके बाद कुछ किताबें हैं, किताबों को अपना ट्यूशन रूम में रख देता हूँ। तो यहाँ पूजा क्या बना रहे हो? पम्पकिन सीड्स का चटनी बनाऊंगी। अच्छा, पम्पकिन सीड का चटनी है, और यहाँ पे कुछ ये तीता करेला है, तीता करेला ना, और क्या बनाया, दाल, ये सब्जी है, बंदा गोभी का सब्जी, बंदा गोभी और पम्पकिन का सब्जी। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, दाल, ये दाल, क्या दाल है, ये अच्छा मूंग दाल है कि वो नेपाल वाला है दाल। अच्छा, और यहाँ पे चावल, चावल। ये जो टाइम है आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बजने वाला है, सॉरी 1 बज के पास हो चुका है, 1 बज के 5-6 मिनट हो चुका है, तो चलिए भूख भी लग रहा है, और उसके बाद हम खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी सोनू जो है बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत बहुत परेशान किया उसने, तो अभी मैंने इसको सुला दिया है, और हम ऐसे ही सोते हैं, मैं हमेशा सोनू को ऐसे ही सुलाता हूँ, हक करके ऐसे करके सुलाना पड़ता है, तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और यहाँ पीछे पूजा भी है, तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद ट्यूशन है अभी थोड़ा देर के बाद। तो आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।